ये कहानी है बेलापुर गांव की, जहां पर हमारे नंदू साहेब रहते हैं। नंदू अपनी पत्नी के साथ रहता है जिसका नाम रोशनी है, और वो अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे हैं। नंदू के पास कोई इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं था, वो किसी के पास रोज ही कोई ना कोई काम करता, और वो अपना जीवन मुश्किल के साथ ही, लेकिन किसी भी तरह वो अपना वक्त काट रहे थे। एक दिन नंदू काम पर जाने लगता है तो उसकी पत्नी रोशनी उससे ये कहती है कि सुनिए जी, आज आप काम पर कहाँ पर जा रहे हैं? काफी दिनों से काम तो मिल नहीं रहा और घर पर खाने का सामान भी खत्म हो गया है, काम मिल ही नहीं रहा। आज काम मिल जाए लेकिन मेरी बात सुन ले, आप वो रघु के पास मत जाइएगा और उस शंभू के पास भी, क्योंकि जब भी आपसे काम करवाते हैं आपको ये पैसे भी नहीं देते। आपकी सादगी का फायदा उठाकर हर कोई ही आपसे ये करता है कि आपको पैसे नहीं देता और काम करवा लेता है। मजदूर की मजदूरी तो देनी चाहिए ना, लेकिन उनको इतनी शर्म नहीं आती कि इसने काम किया है, शायद ये अपने घर में बहुत मुश्किल में हो, लेकिन वो काम करवा कर जबरदस्ती से फिर आपको पैसे भी नहीं देते। तो उनके पास मत जाइएगा, कोई और काम ढूंढ लीजिएगा ताकि वो आपको आपकी मेहनत की मजदूरी तो दे दे। अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं, मैं तो काम के लिए ही जाता हूं, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। मुझे नहीं पता होता पहले कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे, और मैं ये सोचता हूं कि कोई बात नहीं, कुछ ना होने से तो बेहतर है, ना कुछ तो पैसे मिलेंगे, लेकिन वो मेरे साथ हर बार ही ऐसा करते हैं, पैसे नहीं देते। उनको इस बात का नहीं पता कि इसके घर में कितनी मुश्किल परेशानी चल रही है। इस दुनिया में रोशनी, हर एक बंदा अपने काम को ही लेकर चलता है और कोई किसी का एहसास नहीं करता। आज भी जा रहा हूँ, दुआ करना खुदा सारा काम अच्छा ही करेंगे। कोई अच्छा सा काम मिलेगा तो फिर आते वक्त सामान भी लेकर आऊँगा, खाने पीने वाला। ठीक है जी जाए, लेकिन मैंने जो कहा है उनसे बस बच कर रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों से बचना ही अच्छा है। आपको आज जितना मर्जी कहें कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पिछले वाले पैसे भी चुका देंगे और आज वाली मजदूरी भी तुमको देंगे, बस तुम ना काम आकर करो। लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं, आप मेरी बात जहन में रख ले, आपने बिल्कुल भी नहीं जाना उनके पास। ठीक है, मेरे बार बार कहने का मकसद यही है कि आप भोले हैं, आपको बातों में लगा कर किसी न किसी तरीके से फिर से वो काम पर लगा लेते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप बस उनके पास काम ना करिएगा, कोई और काम ढूंढ लीजिएगा, खुदा कोई अच्छा सा काम दे देंगे। हाँ हाँ रोशनी, तुम ठीक कहती हो, आज मैं उनकी बातों में नहीं आता, और तुम फिक्र मत करो, मैं आज कोई और काम ही ढूंढूंगा, जितनी मर्जी मुझको बातें कर ले के ये हो जाएगा वो, लेकिन मैं उनकी बातों में आज नहीं आऊंगा। हाँ चलो ठीक है रोशनी, मुझको लेट हो रही है और मैं फिर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ, ताकि आज खाने पीने का सामान तो आए। नंदू घर से निकल जाता है और सोचता है कि आज कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा। काम उसको अभी मिला नहीं कि रघु सामने ही मिल जाता है, और नंदू को सामने देखकर रघु भी सीधा हो जाता है कि अब ये आ रहा है, आज भी इससे काम करवाता हूँ, और ये कहता है कि आज फिर आ रहा है, आज इससे ना फिर से काम करवाऊंगा, अब आएगा मजा। हाँ, ये वाला बंदा मेरे लिए बहुत ठीक है, जो नंदू है इसके भोलेपन का ही फायदा तो मुझे उठाना आता है, किसी और को आता है या नहीं, मुझे बहुत आता है। ऐसे बंदे तो मैं ढूंढता हूँ, अगर ऐसे बंदे 10-20 मिल जाए ना तो खेतों का काम तो मजे से चलेगा। हाँ अगर ये आज भी फंस गया ना तो आज भी इससे डबल मेहनत करवा कर सिंगल पैसे भी नहीं दूंगा। मजा आ जाएगा मजा। हाँ हाँ, नंदू भी रघु को दूर से ही देख लेता है और दिल में ये कहता है कि
अरे ये रघु भाई सामने फिर से आ गए, काम अभी मिला नहीं और रघु भाई जो है सामने ही आ गए हैं फिर से, अब मैं क्या करूँगा। ऐसा करता हूँ कि इसके पास से गुजर जाऊंगा और अगर बुलाएगा भी तो बोलूंगा नहीं, बस चुपचाप सामने से ही निकल जाऊंगा। हाँ ऐसा ही करता हूँ। नंदू ये सोचता है कि रघु हर बार ही मुझे धोखा देता है और काम करवाता है लेकिन पैसे कहता है अगली बार दूंगा, तो नंदू ने ये सोचा कि इसके पास से ही गुजरता हूँ और इससे बात भी नहीं करूँगा और इसके पास से ही निकल जाऊंगा। तो नंदू चल पड़ता है। अरे ओ नंदू, सबके बंधु, कहाँ को जा रहा है? आज तो कोई लिफ्टे ही नहीं और चुपचाप ही मेरे पास से गुजर जा रहा है। जब काम की तलाश होती है तो मेरे पास ही आता है और आज इतनी जल्दी से मेरे पास से गुजर रहा है। ना कोई तुमने बात की है, ना कोई तुमने हाल पूछा है। क्या बात है, आज कोई बड़ा काम हाथ लग गया है क्या? अपने रघु भाई को भूल गए जिसके साथ तुमको हर रोज काम पड़ता है? और तुमको पता है ना मैं ही तुमको काम पर रखता हूँ और अब पास से ही जा रहे हो, ये तो गलत बातें हैं। अरे रघु भाई, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था लेकिन आपने फिर से आगे रोक कर मुझसे बात कर ली। रघु भाई गलत बात मैं नहीं, गलत बातें आप करते हो, हर बार ही मुझसे काम करवा लेते हो लेकिन मुझे पैसे नहीं देते, ये तो गलत बात है ना? रघु भाई मेरे घर पर बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं और तुम अपना काम निकलवा कर मुझे पैसे ही नहीं देते। रघु भाई किसी का एहसास भी होता है, तुमको मेरा एहसास ही नहीं और मैंने काम तुम्हारे पास अब करना ही नहीं, मैं कोई और काम ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे पैसे भी मिले। तुमने तो काम करवा कर पैसे मुझको देने नहीं होते। अरे तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारे घर के हालात मैंने खराब किए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, एक तो नेकी करो ऊपर से ऐसी बातें सुनो। मैं तुमको काम देता हूँ और इसका मतलब ये नहीं कि अब पैसे भी साथ ही मिल जाएं। अरे पैसे भी मिल जाएंगे, काम तो करो। रघु भाई बस करे, मुझे देर हो रही है, मैंने आपके पास काम नहीं करना, मैंने कहीं और काम की तलाश में जाना है, बस आप ना मेरे रास्ते से हट जाएं, मुझे बहुत देर हो रही है, कोई काम भी ढूंढना है। आप तो बस अपना काम निकलवाने के लिए मेरे सामने खड़े हो गए हैं, अब आप हटे मैंने जाना है। अरे जाओ जाओ जाओ, बातें सुनाने लग पड़े हो, मैं भी देखता हूँ मेरे सिवा तुमको कौन काम पर रखता है। मैं तो कहता हूँ कि सीधा सा है, काम तुमको कोई ढंग का आता नहीं और बातें तुम बहुत सुना लेते हो आगे से, देखता हूँ तुमको कौन रखता है काम पर, बातें सुना रहा है, चलो भाग जाओ जहाँ पे जाना है। नंदू वहाँ से चला जाता है क्योंकि रघु के पास उसने काम नहीं करना था, क्योंकि रघु मजदूरी करवा लेता लेकिन पैसे नहीं देता, इसलिए नंदू ने जो रोशनी ने कहा था उस पर अमल किया और वहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो रघु को बहुत गुस्सा आता है उसकी बात पर और रघु पीछे से ये कहता है कि अरे नंदू, अब तू देख मैं क्या करता हूँ, तूने मेरे पास काम नहीं किया ना, तू किसी और के पास काम करके तो दिखा, मैं भी देखता हूँ कि तू काम कैसे करता है। मैं तुझको अब काम किसी और के पास करने नहीं दूंगा, मैं भी तेरे पीछे ही आ रहा हूँ, देखता हूँ तू कैसे काम करता है और कौन तुझको काम देता है। हाँ रघु भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है क्योंकि रघु ने उसको अब काम करने किसी और के पास नहीं देना था, क्योंकि रघु अब उससे बदला लेना चाहता था कि इसने आज मेरे पास काम नहीं किया और इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मुझको भला बुरा सुनाया है, तो रघु भी उसके पीछे ही चल पड़ा। नंदू जा रहा था और नंदू को ये नहीं पता था कि रघु भी मेरा पीछा कर रहा है और बुरी सोच के साथ मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन नंदू सीधा चलता रहता है। नंदू सीधा आ रहा था कि देखता है कि जंगल में एक बंदे के हाथ में कुल्हाड़ा है और वो शायद लकड़ी का काम जंगल में करने आया है, तो नंदू सोचता है कि
अरे ये कौन है? अरे इसके हाथ में तो कुल्हाड़ा है, मुझको लगता है कि ये शायद लकड़हाड़ा है, ये लकड़ी का काम करता है इस जंगल में, शायद इसके पास कोई काम हो जो ये मुझको दे दे, लगता तो ऐसा ही है कि ये लकड़ी का काम करता है। चलो ऐसा करता हूँ कि इससे पूछता हूँ कि भैया मेरे लिए कोई काम है तो मुझको भी दो। हाँ ये बात ठीक है, इससे जाके पूछता हूँ। अरे लकड़हाड़े भाई कैसे हो आप, क्या हाल है, ठीक हो आप? आप यहाँ पर क्या लकड़ी काटने का काम करते हो? मैंने दूर से आपको देखा तो मैंने कहा कि भाई से जाकर मिलता हूँ और भाई को ये कहता हूँ कि भाई कोई काम है तो मुझको भी बताओ, भाई मैं भी काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा हूँ, अगर भाई तुम्हारे पास कोई काम है तो मुझको बताओ, मैं भी करूँगा काम जो भी तुम कहोगे। और भाई ठीक हूँ, तुम कैसे हो और भाई क्या हाल है? भाई मैं तो अपने घर के लिए लकड़ियाँ काट रहा था, अगर भाई तेरे पास कोई काम है तो मुझको दे दे, मैं तो खुद काम के तलाश में निकला था, मैं एक लकड़हारा हूँ, काम के तलाश में निकला था, काम तो मिला नहीं, मैंने कहा चलो घर के लिए थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लूँ। अरे भाई आजकल ना मैं खुद भी काम के तलाश में निकला रहता हूँ, मैं तो लकड़हारा हूँ, मैं तो कोई और काम नहीं कर सकता, इसलिए बस लकड़हारों को देखता हूँ कि कोई जंगल में कटाई करता हो उसके साथ मैं भी काम पर लग जाऊं, लेकिन आजकल कोई जंगल में कटाई भी कम ही कर रहे हैं, तो मुझे तो खुद काम नहीं मिला भाई, मैं तुमको कहां से दूंगा? अच्छा भाई कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही आज खराब है, मैंने कहा शायद भाई के पास कोई काम हो, लकड़ी कटाई मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा चलो लकड़ियां उठा उठा कर ही इधर उधर रख दूंगा या बांध लूंगा, मतलब कोई भी काम कर लूंगा, लेकिन मेरी किस्मत में अभी काम नहीं। चले कोई बात नहीं भाई, मैं कोई और काम किसी और से जाके पूछता हूँ, शायद कोई अच्छा सा काम मिल जाए। अरे भाई मैं तो लकड़ी के काम के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता, हाँ मेरे पास एक बंदा है, मेरा दोस्त वहाँ पर काम करता था, मुझे उस बंदे का पता है, मैं तुझको बता देता हूँ, वो खेती बाड़ी का काम करता है, तो तुम उसके पास चले जाओ, उसके पास तुमको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। हाँ भाई ये ठीक है, मैं तो खेती बाड़ी वाला काम अच्छे से कर लेता हूँ, भाई तुम ना उस बंदे का नाम मुझको बता दो, मैं बस उसके पास जाता हूँ, उसके पास काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, शुक्रिया भाई, आप बस मुझे उसका नाम बताएं फिर मैं उसके पास जाता हूँ। अच्छा अच्छा बताता हूँ, मेरा ना दोस्त वहाँ पर था, उसने तो छोड़ दिया है, लेकिन उस बंदे का नाम सेठ खत्री लाल है, उसके पास चले जाओ, उसके पास काम की कोई भी कमी नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका, आपको नहीं पता आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको और दे, अब मैं जाता हूँ सेठ खत्री लाल के पास, तो ठीक है भाई फिर मैं अब निकलता हूँ। नंदू वहाँ से चला जाता है सेठ खत्री लाल के पास और रघु भी सारी बातें सुन लेता है और रघु ये कहता है कि जाओ जाओ खत्री लाल के पास, कोई बात नहीं खत्री लाल मेरा दोस्त है, हाँ मैं तुमको वहाँ पर काम करने दूंगा, तुम जाओ तो सही, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। हाँ जी, रघु ये कह रहा था कि शंभू भी वहाँ पर आ जाता है और शंभू उससे ये कहता है कि अरे रघु कैसा है, अरे यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी जंगल में अकेला, अरे बता मुझको यहाँ पर क्या करने आया है? अरे शंभू भैया कुछ भी नहीं, वो ना वैसे ही बस टहलता ना जंगल को निकल आया, पता ही नहीं चला कब जंगल में पहुँच गया। अरे पहले तो तुझको कभी भी जंगल में ऐसे अकेला मैंने तो नहीं देखा है, लगता है किसी काम को निकला है। चलो बताओ ना अब क्या लेने आए हो यहाँ पर, और सच्ची बताना है।
अरे शंभू भैया, जो तुम समझ रहे हो ना, वैसी कोई बात नहीं है। तुमको नंदू का तो पता है ना, वो नंदू, आज मैंने उसको कहा कि मेरे पास काम करो, कहता है मैंने तुम्हारे पास करना ही नहीं, तुम बंदे ही ठीक नहीं हो। भला बुरा काफी ज्यादा बातें सुनाई, और सच्ची बताऊं तो तुम्हारे बारे में भी बातें कर रहा था। अब ना मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, वो कह रहा था मैंने किसी सेठ खत्री लाल के पास जाना है काम ढूंढने, तो मैं उसके पीछे निकला हूँ। जब वो काम खत्री लाल से लेने लगेगा ना, तो उसको फिर बताऊंगा कि इसको काम मत दो। अरे मेरे बारे में भी उसने ऐसा कहा? चलो सेठ खत्री लाल तो मेरा भी दोस्त है, दोनों चलते हैं और सेठ खत्री लाल को कहेंगे कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, नकारा नकम्मा है, तो सेठ खत्री लाल उसको काम नहीं देगा। और भी किसी के पास वो जाएगा तो हम उसको यही कहेंगे कि ये काम नहीं करता, ये काम चोर है, तो कोई भी उसको काम नहीं देगा, बल्कि इस पूरे गाँव में सबको बता देंगे कि इसको कोई भी काम ना दे। हाँ हाँ हाँ, ये वाला काम ठीक है, चलो दोनों चलते हैं जाकर, और सेठ खत्री लाल को और पूरे गांव में इस बात को फैला देंगे कि ये काम चोर है, बिल्कुल भी काम वगैरह नहीं करता, आलसी है पूरा, इसको कोई भी काम ना दे। हाँ चलो फटाफट करो, निकल जाएगा, उसके साथ ही खत्री लाल के पास पहुंचना है। नंदू के लिए पहले एक परेशानी थी, अब दो हो गई थी, और नंदू को इस बात की खबर भी नहीं थी, लेकिन नंदू अपने काम को जा रहा था और उसके पीछे रघु शंभू भी आ रहे थे। नंदू सेठ खत्री लाल के पास पहुंच जाता है और सेठ खत्री लाल सामने ही खड़ा होता है, और नंदू थोड़ा सा घबराया हुआ सेठ खत्री लाल के पास चला जाता है और उससे ये कहता है कि सेठ साहेब, क्या हाल है, आप ठीक हो ना? मुझे किसी ने कहा था कि सेठ खत्री लाल के पास बहुत सा काम है, मैं ना काम की तलाश में आ रहा था, तो आपका नाम मुझे किसी ने बताया, तो सेठ साहब आप मुझे अपने पास काम पर रख ले, मैं खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। अरे बाबा, काम की तलाश में निकले हो? काम बहुत है, तुम फिकर मत करो, फिकर बस तुमको इस चीज की करनी है कि तुमने दिल लगा के काम करना है, क्योंकि मैं बहुत खिलाफ हूँ जो नेक नीति से काम नहीं करते, और मुझे बहुत उन पर गुस्सा आता है, तो काम नेक नीति से करोगे तो कोई बात नहीं, काम बहुत है, अभी ही काम पर लग जाओ, और मजदूरी भी मैं अच्छी खासी देता हूँ। बहुत ही शुक्रिया सेठ साहब, बहुत ही शुक्रिया, आप देखेंगे मैं बहुत ज्यादा दिल लगा के काम करता हूँ, मैं कभी भी ऐसे आलसी पुणे के साथ काम नहीं करता, मैं बहुत दिल लगा के काम करता हूँ, तो बस आप अब मुझको काम बताए, देखें फिर मैं काम कैसे करता हूँ। खत्री लाल नंदू को सारा काम समझा देता है और नंदू भी खुश हो जाता है कि अब मुझको काम मिल गया है। खत्री लाल उसको बता ही रहा था कि साथ ही शंभू और रघु भी वहां पहुंच जाते हैं, और आकर रघु ये कहता है कि अरे खत्री लाल, मेरे बड़े भाई, कैसे हो? अरे ठीक हो ना? बहुत देर हो गई, मैंने कहा भाई से मिल जाऊं, मैं पास ही से गुजर रहा था, मैंने कहा अपने बड़े भाई को एक बार मिल तो जाऊं। और भाई फिर कैसे हो, ठीक हो ना? अरे रघु ठीक हूँ, तू कैसा है? मुझे बहुत अच्छा लगा तू मेरे पास आया, और बताओ काम काज कैसा चल रहा है? अरे भाई मेरा काम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, लेकिन तुम्हारा काम मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसे आलसी बंदे तुम अपने काम पर रखोगे तो तुम्हारा काम तो नुकसान में ही जाएगा ना, पूरे गांव में इसको कोई भी काम नहीं देता, और तुम इसको काम देने वाले हो, मैं भी इसको काम पर रखता था, लेकिन ये काम अच्छे से नहीं करता, ये बहुत आलसी है, और काम सही करने के बजाय काम बिगाड़ता है, तुम इसको क्यों काम पर रख रहे हो? रघु खत्री लाल को भड़का देता है कि इसको काम पर बिल्कुल भी नहीं रखना, ये बहुत ही ज्यादा आलसी है, उसके खिलाफ कर देता है, और खत्री लाल उसको फिर काम पर नहीं रखता। नंदू बेचारा वहाँ से चला जाता है। शंभू और रघु खत्री लाल को उसके खिलाफ भड़काते हैं, बल्कि पूरे गांव को ही भड़का देते हैं, और कोई भी उसको काम पर नहीं रखता। वो बेचारा थक हार कर फिर अपने घर आ जाता है, और उसकी बीवी उससे ये पूछती है कि सुनिए जी, क्या हुआ है, इतनी जल्दी घर आ भी गए हैं और कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए, क्या बात है, कोई बात हो गई है क्या?
कुछ नहीं रोशनी, आज भी काम मुझे मिलते मिलते रह गया। वो रघु और शंभू जो है ना, मैं खतड़ी लाल के पास गया था, किसी ने मुझे कहा उसके पास काम है। वो पीछे आकर उसको कहते हैं ये आलसी है, काम नहीं कर सकता। उसको मेरे खिलाफ कर दिया, उसने मुझको काम नहीं दिया और पूरे गांव में भी उन्होंने अफवाह फैला दी है कि ये काम नहीं करता, अब पूरे गांव में मुझको कोई भी काम नहीं दे रहा। रोशनी उसको समझाती है और उसको ये कहती है कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर काम नहीं मिल रहा, यहाँ पर रघु और शंभू ने आपके खिलाफ सबको भड़का दिया है, तो हिम्मत मत हारिए, साथ वाले गांव में जाकर कोई काम ढूंढ लें। वो उसको ऐसे काफी समझा कर मना लेती है और नंदू दूसरे गांव काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन नंदू दूसरे गांव में काम करने के लिए घर से निकल आता है। नंदू काफी आगे आ जाता है और चलते चलते नंदू को प्यास लग जाती है और नंदू सोचता है कि पानी पी लेता हूँ और सामने देखता है कि एक नलका लगा होता है और नंदू उसके पास आ जाता है। वो पानी पीने लगता है और काफी ज्यादा मक्खियाँ उसके इधर उधर घूम रही होती हैं जो उसको पानी नहीं पीने देती। मक्खियों से तंग आकर वो एकदम से ताली मारता है और जो भी ताली के अंदर मक्खियाँ आती हैं उनका काम साफ हो जाता है। एक बंदा उसको देख रहा था, वो भी पानी पीने ही आया था और वो थोड़ा सा हंसी मजाक वाला था और वो उसके पास आकर ये कहता है कि अरे अच्छा किया तूने, 30 का काम अकेले ही तमाम कर दिया। ये वाला काम तुमने बहुत ही अच्छा किया है, सच्ची में बहुत मैं भी तंग था और तुमने ये जो काम किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है, 30 को तुमने अकेले ही खत्म कर दिया है। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, तू तो 30वां खान है। और क्या भाई, बस मैं भी तंग आ गया था इनसे और फिर मैंने इनका काम खत्म कर दिया, और भी कोई तंग करेगा तो उसका काम भी ऐसे ही तमाम करूँगा। हाँ अरे ठीक है ठीक है, जो तंग करे उसका काम ऐसे ही तमाम करना चाहिए। अच्छा भैया मुझको भी प्यास लगी है, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूं। वो ये बातें कर रहे थे कि नंदू के गांव का एक आदमी नंदू की सारी बातों को सुन लेता है और वो तो डर जाता है कि 30 मार खां बन गया है, मतलब कि नंदू ने तो 30 का काम अकेले ही तमाम कर दिया है। और वो रघु और शंभू का दोस्त भी था, वो ये सोचता है कि अरे अरे बाबा, नंदू ने 30 का काम तमाम कर दिया, ओ हो, जाकर रघु और शंभू भैया को और बाकी सबको भी बताना पड़ेगा कि नंदू तो 30 मार खां बन गया है, उसने तो अकेले ही 30 का काम तमाम कर दिया है। हाँ फटाफट से जाता हूँ। बीरू जल्दी जल्दी में रघु और शंभू के पास पहुँच जाता है और उनको सारी बात बताता है और रघु आगे से उसको ये कहता है कि अरे 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 अरे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया है, सच्ची में ऐसा ही हुआ है क्या? ओहो अगर ऐसा है तो बहुत बुरा होगा, हमने तो उसके साथ बहुत बुरा किया है, वो गांव में आते ही सबसे पहले हमारा काम तमाम करेगा, अब वो जब आएगा ना उसी वक्त उसके पिछले पैसे देंगे और उससे माफी भी मांगेंगे और उसको कहेंगे कि भाई हमको छोड़ दे। अरे अरे तुमने तो मुझको डरा ही दिया है, हाँ बाबा जब वो आएगा ना तो उसको सबसे पहले उसके पैसे देंगे और उससे माफी मांगेंगे और उसको ये कहेंगे कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नंदू काम से वापस आता है और रास्ते में ही रघु और शंभू भी खड़े होते हैं जो उससे माफी के लिए खड़े होते हैं। तो जब नंदू उनके पास आता है तो रघु उसको ये कहता है कि अरे नंदू भाई कैसे हो, ठीक हो ना, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हैं, कोई काम वगैरह है तो मुझको बता दीजिएगा, आज के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, और आपके ना थोड़े से पैसे मेरी तरफ थे वो आपको मिल जाएंगे, आप घर को आ जाइएगा और पिछली बातों को भुला करना, आज के बाद आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपकी ना आज के बाद बहुत दिल से इज्जत करते हैं, बस आप ना हम पर थोड़ा सा गुस्सा कभी भी मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ बस इतनी गुजारिश है बस आपसे। हाँ
नंदू का तुक्का लग जाता है, जिस तुक्के का नंदू को भी नहीं पता था। और नंदू के मक्खी मारने से नंदू के जो खिलाफ थे वो नंदू के हमदर्द बन जाते हैं, और नंदू को नंदू के सारे पैसे भी मिल जाते हैं, और उसकी खोई हुई इज्जत जो इन्होंने ही खराब की थी वो दुगनी हो जाती है। तो इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि आम तौर पर तुक्का लगता नहीं और ना ही तुक्के लगाने चाहिए, लेकिन अगर तुक्का लग जाए तो उसके जैसी कोई बात ही नहीं।